भाई साहब आपका स्वागत है न्यूज जनता दरबार में। सबसे पहले आप ये बताएं कि हिमालय परिवार की स्थापना कब और किसने की? हिमालय परिवार की स्थापना ऐसे तो 2002 में हुई, पर उसकी रूपरेखा 2001 में माननीय इंद्रेश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, अखिल भारतीय अधिकारी हैं, उन्होंने 2001 में उसकी रूपरेखा चालू कर दी थी कि अपन इस तरह से काम करेंगे। तो 2002 में जब अक्टूबर 30 अक्टूबर 1 नवंबर के आसपास ये स्थापना हुई थी, तो उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जो उस समय के थे सुदर्शन जी भाई साहब, वो भी इस हिमालय परिवार की स्थापना में सम्मिलित थे जी। ऐसे उसके हिमाचल के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, ऐसे कई संत लोग भी इसमें शामिल थे। अभी कितने जो है सदस्य हैं पूरे भारतवर्ष में? अब भारतवर्ष में तो ऐसे कोई गिनती कर नहीं सकते, बहुत लाखों के हिसाब से होंगे जी। पूरे भारत में हर राज्य में हमारे इकाई बनी हुई है, और ऐसे हिमालय परिवार के जो गठन इसलिए किया गया था कि जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, माओवाद, आतंकवाद, जो दूसरे देशों पाकिस्तान चाइना द्वारा जो गतिविधियां फैला रही हैं, स्मगलिंग ऐसे करके, इसको ख़त्म किया जाए। तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनको अपन हिमालय क्षेत्रों में जोड़े, ताकि वहाँ के लोगों की हिम्मत बंधे, तो वो हिम्मत से डट के बाहर जो ऐसी चीज़ें करते हैं उनका मुकाबला कर सके, सुरक्षा की जा सके चीन जी, से जी, या उससे जुड़ते पाकिस्तान से जी जी। तो इसलिए उन्होंने इसका गठन किया था। अब हिमालय परिवार धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, पहले एक छोटा पौधा था, अभी बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं बहुत, हर बार हम जैसे हमने यात्राओं के माध्यम से ये पूरे देश भर के लोगों को बॉर्डर क्षेत्र में जोड़ना चालू किया है। तो जैसे हमारे 26 वर्ष पहले माननीय इंद्रेश जी ने सिंधु दर्शन यात्रा चालू करी थी, वैसे तो जब माननीय इंद्रेश जी पहली बार प्रांत प्रचारक बन के गए हैं, जो हिमनाद क्षेत्र होता था पहले, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इसके जो प्रांत प्रचारक बन के पहली बार जम्मू कश्मीर में गए, तो उनके मन में आया कि अपन पूरे बॉर्डर क्षेत्र में जो गतिविधियाँ चल रही हैं इस एरिए में, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, आतंकवाद बहुत भयंकर था। तो उस समय उन्होंने ये जो सिंधु दर्शन यात्रा थी ये भी उसी समय चालू करी है। तो उन्होंने 80 के दशक में इनको पहली बार जो लद्दाख गए, तो उन्होंने सोचा कि अपन इस क्षेत्र को कैसे मुख्य धारा में लाए, और जो पूरे बॉर्डर क्षेत्र है और पूरे भारत की एकात्मता को देखते हुए पूरे भारत को वहाँ जोड़ा जाए, और वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग और जो पिछड़े लोग हैं उनको अपन हिम्मत बंधाते हुए, जैसे वो चाइना के जो लोग आते थे वो कहते थे कि हमारी तुम्हारी शक्लें एक जैसी हैं, तो तुम तो हमारे आदमी हो, तो उनको ऐसे करके तो वो बरगलाते थे वो चाइना वाले। तो इसलिए भाई साहब ने सोचा कि अपन इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, तो इसलिए ये यात्रा चालू करी थी। 80 के दशक में जब उन्होंने पहली बार सिंधु नदी वहाँ देखी, तो पहले उन्होंने स्नान वान किया, तो उन्होंने मन में ये बात बैठ गई कि अपनी ये कैलाश मानसरोवर से सिंधु माता नदी आती है, तो अपने पूरे भारतवर्ष के जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं वो सिंधु माता को बहुत पूजते हैं, तो अपने और हमारे जो भारतीय संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, अपने सनातन धर्म जो है, वो भी उसके जो वेद, चारों वेद जो भी हैं वो भी सिंधु नदी के किनारे लिखे गए हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस नदी का, जैसे पूजन, जैसे गंगा मैया का पूजन होता है, जैसे कई त्योहारों में लोग जाते हैं वहाँ, तो ऐसे उन्होंने सोचा कि पूरे भारत के तीर्थ करें यहाँ पे लोग आकर के। तो उन्होंने फिर माननीय आडवाणी जी से बात करी 97 में, तो कि ऐसे ऐसे हमने पहली यात्रा लेके जानी है, तो आपको इसमें रंग भरने का काम करना है, यानी रंग भरने का, यानी कि आप पहली यात्रा में खूबसूरत बनाना, हाँ खूबसूरत बनाना है। तो माननीय आडवाणी जी ने भी हाँ कर दी, तो पहली यात्रा में वो आए, तो ऐसे कहते हैं कि 20, जैसे हम तो नहीं थे पहली यात्रा में, 20-25 लोग पहली यात्रा में गए हैं, तो पहले कोई फ्लाइट नहीं जाती थी, और कोई कभी कभार जैसे एक दिन में एक बस चली गई, या कोई ऐसे बहुत कम लोग जाते थे वहाँ पे, ये यात्री भी मतलब नहीं जाते थे, कोई यात्री तो जाता ही नहीं था, कोई भी टूरिस्ट भी, जैसे पर्यटक भी बहुत कम जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये पहली यात्रा, अभी जब ये उप प्रधानमंत्री थे
तो जोर शोर से अच्छी 25 लोग गए, तो पूरा वहाँ घाट वाट बना के, ऐसे टेम्परेरी घाट बना के पूरा स्नान ध्यान पूजा बहराना पूजा जो सिंधी समाज में होती है वो, ऐसे बड़ी बुद्धिस्ट लोग जो पूजा करते हैं वो वाली पूजा, अपने सनातन का हवन पाठ वो भी सब वहाँ स्नान मान करके लोग पहली यात्रा में गए। ऐसे करके धीरे 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 यात्रा बढ़ती गई, कभी 1000 आदमी, कभी 2000, कभी 3000, ऐसे करके करते करते बढ़, अभी हमारे कभी कभार 3000, 2000, 3000, 4000 ऐसे यात्री रहते हैं। अभी हमारी जो कोरोना में भी हमारी यात्रा लगातार 200-400 लोगों की जाती रही है। तो ऐसे करके फिर ये यात्रा चालू हुई, और फिर माननीय इंद्रेश जी के जैसे मन में आया कि अपन इसको और कैसे इधर गतिविधियां और करें, अपन विकास का कार्य, तो उन्होंने एक विद्या भारती का स्कूल भी वहाँ चलता है आरएसएस की तरफ से, एक वो स्कूल बना दिया बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे एक ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पे एक पैसे इकट्ठे करके ऐसे सिंधु दर्शन यात्री जाते थे, फिर जो और कोई हिमालय परिवार के और कई ऐसे संस्थाओं से पैसे इकट्ठे कर करके ज़मीन खरीद के एक सिंधु भवन बना दिया उन्होंने वहाँ पे। सिंधु भवन भी 3 मंजिला, जो उस एरिया का सबसे बड़ा भवन है, एक पहाड़ी मतलब बर्फीले इलाके में सबसे सुंदर भवन बनाया। ये कब स्थापित हुआ था, कब बना है ये भवन? ये अभी हमारे 2017 के आसपास, 2016 के आसपास इसका माननीय अडवाणी जी ने उद्घाटन करा था और इंद्रेश जी बसव ने। तो ऐसे करके अब पूरे देश भर के जो यात्री आते हैं तो वो उसमें रुकते भी हैं, और ऐसे हर साल जो चले रहते हैं पर्यटक, तो उनके लिए भी कमरे भी दे देते हैं। कभी उसमें बच्चों को पढ़ाने का काम है, शिक्षा का काम है, कोई बच्चों को और गतिविधियाँ सिखाते हैं, कैसे सिलाई मशीन का है, फिर और कढ़ाई का काम है, और कई बच्चों को ऐसे चीज़ें तरह तरह की, वहाँ के लोगों को पिछड़े लोगों को। जैसा कि आपने बताया कि सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ करने के पीछे माओवादियों का जो खतरा था, चीन से पाकिस्तान से इस प्रकार के जो बॉर्डर लग रहे हैं उनसे जो खतरा था, हिमालय परिवार का संगठन इसीलिए किया गया, हिमालय का एक्चुअली मीनिंग क्या है, हिमालय नाम क्यों रखा गया? हिमालय का नाम इसलिए रखा गया कि हिमालय और हिमालय की गोद कन्याकुमारी तक है, तो हिमालय सुरक्षित होगा तभी तो पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। हिमालय की वजह से हम यहाँ सांस ले रहे हैं, हिमालय की वजह से हम यहाँ अन्न जल दवाई हर एक चीज़ हिमालय की वजह से ही है। सुरक्षा कवच कह सकते हैं भारत, हाँ, भारत का पूरे वर्ल्ड का सुरक्षा कवच वो जो हिमालय है। जैसे हमारी तिब्बत जो है, तिब्बत लद्दाख एरिया जो है, ये दुनिया की छत है, पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की छत है। अगर हमारी छत ही टूट जाएगी तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने को हिमालय की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। हिमालय की वजह से बरसात होती है, हिमालय की वजह से नदियों में जो पानी आता है वो हम पीते हैं, वो सब हिमालय की वजह से ही है। हिमालय में बर्फ जमती है, उसी वजह से पानी आता है, उसी वजह से हम जिंदा है, इसीलिए हिमालय नाम रखा गया। और साथ में सिंधु दर्शन यात्रा जो है वो प्रारंभ की, अभी लगभग आपने बताया हजारों लाखों लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, ये बताएं आप इसके साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला मैं एक बात और मैं बता दूं आपको जी। जैसे हिमालय परिवार ने एक तो माननीय इंद्रेश जी के मन में बहुत ऐसे ये थी कि अपने पूरे क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र जो पीओजे के जो है पाकिस्तान ने हथियार रखा है, ऐसे एक्साइज चीन जो है जो चाइना ने हथियार रखा है, जैसे मान लो हमारी पुरानी सरकारों ने परोस के दे दिया उनको, तो वो उनके मन में ये है कि अपन इस सारे क्षेत्र को कैसे मुक्त कराएं। जैसे पीओजे के को मुक्त कराएंगे तो अपना और एरिया और अपना बढ़ेगा, हमारा पूरा अपन तो कोशिश ये है कि पूरा अखंड भारत के कल्पना कर रहे हैं जी। पर उनके जैसे अभी पीओजे के वापस आए, और जैसे सिंधु दर्शन यात्रा के माध्यम से हमने जो लद्दाख में एक रैली निकालते हैं जो कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए, जैसे कैलाश मानसरोवर का रास्ता अपन लद्दाख से खोल देंगे तो आदमी 5 दिन में अपनी गाड़ी से यात्रा करके वापस आ सकता है, ना कोई परमिट की जरूरत है, ना कोई उसकी पासपोर्ट की जरूरत है। तो ये भी माननीय इंद्रेश जी के मन में बात है, जैसे कि तिब्बत मुक्त होगा तो कैलाश मानसरोवर अपने आप मुक्त हो जाएगा, तो अपना जो एरिया जो कितने 84 लाख वर्ग जो जमीन है, जो एरिया है वो हमारे वापस आ जाएगा जी। तो वो चीन चाइना को छोड़ना पड़ेगा, अभी ऐसे पीओके भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा।
ये हिमालय परिवार के कंसेप्ट है। हमारे जो 14 नवंबर 1962 को सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने संकल्प लिया था कि एक एक इंच भूमि हम वापस लेंगे, तो वो भूमि का क्या हुआ, वो तो कुछ भी नहीं याद भी नहीं करते। तो हम हिमालय परिवार पूरे देश भर में जनता में जागरूकता फैलाता है, मतलब धरना प्रदर्शन और संगोष्ठियां करते हुए और हस्ताक्षर अभियान करते हुए राज्यसभा लोकसभा तक आवाज पहुंचाते हैं कि इसका क्या कब करोगे जी। ऐसे ही 22 फरवरी 1994 को भी राज्यसभा लोकसभा के सभी सांसदों ने संकल्प लिया था कि हम एक एक इंच भूमि ये भी वापस लेंगे, तो वो भी भूल गए। वो उसके लिए भी हम 14 नवंबर महीने में एक गोष्ठियां संगोष्ठियां धरना प्रदर्शन जैसे हस्ताक्षर अभियान करके जनता को जागरूक करते हैं और राज्यसभा लोकसभा तक आवाज पहुंचाते हैं कि ये सब कब वापस लोगे जी। अब जैसे ही धारा 370 हटी अभी, तो हम हिमालय परिवार ने 2017 में हमने युवा संसद करी थी धारा 370 पे, तो पूरे देश भर से बच्चे बच्चियां सब आए थे, तो पूरा एक पूरी सभा लगती थी हमारी, तो जबरदस्त मैसेज गया उसको पूरे देश में। अब धीरे धीरे धारा 370 सरकार ने खत्म कर दी है, अब धीरे धीरे POJK भी वापस आएगा। हम अब भारत सरकार से आप पर आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ध्यान दिया जाए जी। अच्छा ये बताइए, आपकी सिंधु दर्शन यात्रा से वहाँ के व्यापार पे, यातायात पे टूरिस्ट जैसे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ का बिजनेस, वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के लिए क्या इसमें भी उन्नति हुई है? बहुत जबरदस्त। पहले आप इतना सा सोचो कि पहले 10-15 दुकानें होती थी लद्दाख में, आज कम से कम 100-200 दुकानें, बाजार इतना जबरदस्त बाजार बन गया है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तो UT मिल गई है वहाँ, केंद्रीय शासित राज्य बन गया है, अब तो बहुत जबरदस्त काम चल रहे हैं वहाँ पे और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हो गए हैं वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि इसमें मेंबरशिप लेने के लिए कैसे कॉन्टेक्ट में आए आपके साथ, किस प्रकार से भारतवर्ष या भारत से बाहर भी लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? जुड़ सकते हैं, हमारी ये पत्रिका है, इसमें सब दिया हुआ है, वेबसाइट भी है और फोन नंबर भी है, सभी तरीके से जुड़ सकते हैं जी। अच्छा ये वेबसाइट है www.himalayapariwar.org, यही वेबसाइट है। हाँ जी, इस पर जाके आप डायरेक्ट मेंबर बन सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर है 7073525453, दूसरा नंबर है 9414042453। अच्छा इस नंबर पे अगर कोई भी कांटेक्ट करेगा तो सदस्यता मिल सकती है उसको, आराम से मिल सकती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको भारत से प्यार है, भारतीय संस्कृति से प्यार है, हिमालय से प्यार है, तो हमें लगता है कि इस सिंधु दर्शन यात्रा के साथ प्रत्येक भारतीय को जुड़ जाना चाहिए। ये मुहिम है आदरणीय भाई साहब की, राष्ट्रीय हित के लिए है, हमारे देश से, देश भर से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग जा रहे हैं सिंधु दर्शन यात्रा में। अभी जस्ट हम जून में 23 जून से 26 जून यात्रा करके आए हैं, 10 विदेश कंट्रियों से लोग आए थे सिंधु दर्शन यात्रा पे। हमारे देश के और विदेश के जितने भी यात्री जाते हैं, वो कुछ हम वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं या वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके घरों में भी रुकते हैं जा करके, उनके घरों में सारी उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, ये इन चीज़ों का सबका वो आनंद लेते हैं वहाँ जा करके। बहुत आनंद आता है, ऐसे लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि सभी इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सिंधु मैया के दर्शन करें, स्नान करें और अपने जीवन का